हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम गले की पट्टी बनाएंगे। जो तुरपाई वाली पट्टी होता है उसका जो सही तरीका होता है वो इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके के औरत में पट्टी काट लेना है, ठीक है। औरत में इस तरीके से पट्टी काट लेना है, ठीक है। आपको जितना लंबा चाहिए अपने गले के हिसाब से उतना पट्टी आप काट सकते हैं, ठीक है। इसका मेन पॉइंट क्या होता है, इसको इसको पहले क्या करना है, आपको सही तरीके से जोड़ना होता है। अगर आप पट्टी गलत जोड़ेंगे तो आपका गला जो है सही तरीके से नहीं बैठेगा। तो पहले आपको इस तरीके से पट्टी को इस तरीके से रखना है, उसके बाद इसको इस तरीके से बराबर से काट लेना है, ठीक है, तिरछा में काट लेना है। उसके बाद इसको इस तरीके से पलट देना है, इस तरीके से जहाँ से आप सिलाई लगाएंगे ये जॉइंट आपको बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दोनों कोना बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये मैंने पट्टी जोड़ ली। पट्टी जोड़ने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसको चिरमा कर लेना है, इसको नाखून से। तो हमारा ये इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आपको बढ़ा के रखना है अंदर फोल्ड के लिए। उसके बाद इसको टाका लगाते हुए आपको चलना है, इसको खींचना नहीं है आपको, ठीक है। खींच तो ये रखना है, इसको आपको हल्के हाथों से इस तरीके से पकड़ के रखना है और इसको इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा, आपका जो गला होगा एकदम सही तरीके से बैठेगा, ठीक है। नहीं कहीं पर झोल झाल आएगा। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको सही पट्टी सही लगाते हो तो इससे आपका जो शोल्डर होता है वो भी नहीं गिरता है। अगर आप ये पट्टी गलत लगाओगे तो आपका जो गला है वो सही तरीके से बैठेगा नहीं, ठीक है। और जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज में मेन पॉइंट होता है गला। अगर आपका गला ही ख़राब हो गया तो आपका ब्लाउज, मान लो ब्लाउज ही ख़राब हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको नीचे वाले को खींच के रखना है हल्के हाथों से, इसको ढीला छोड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चलना है। हमने यहाँ पे कुटका लगा रखा है डोरी के लिए, ठीक है। आपको अगर डोरी कैसे बनाना है इसका वीडियो देखना है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से टाका लगा लेते, इस तरीके से पट्टी को गले में पूरा लगा लेते हैं। पट्टी हमने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेज को कट कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, एक्स्ट्रा जो इसमें है आपको इसको ना कट कर लेना है, इस तरीके से पूरे गले में इसको कट कर लेना है। इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है, आपको इस पर नोच लगा लेना है, ना कट कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपको पूरे गले में कट कर लेना है। अगर आप एक कट नहीं लगाएंगे तो आपका गला बिल्कुल नहीं बैठेगा और ये बाहर की ओर भागेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कोई सा भी ब्लाउज में गला बनाए, किसी भी ब्लाउज में गला बनाए, ठीक है। आपको इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद चौथा काम आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इस तरीके से नाखून नाखून लगा लेना है, इस तरीके से नाखून मार लेना है, ठीक है। और आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको पांचवा काम क्या करना है, इसमें आपका लब का सिलाई लगाना है, एक साइड से लब का सिलाई लगा लेना है, ठीक है।
इस तरीके से आपको लव का सिलाई लगा लेना है इस पर पट्टी पे। आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि ये सिलाई उतरे ना, इसको ऊपर से ना लगे, इसको ऊपर से आपको लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, इस तरीके से इसको ऊपर से आपको लगाना है। तो हमारा ये लव का सिलाई लग चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको छठा काम क्या करना है, इसको थोड़ा सा कट कर लेना है। उसके बाद आपको इसको अंदर को इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद आपको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से रखना है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप टाका बड़ा कर सकते हैं, जिसे कच्चा सिलाई भी बोलते हैं। कच्चा सिलाई लगा लें इस तरीके से। आपको यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आपका सिलाई है ये इस तरीके से ये बाहर को ना इस तरीके से ना दिखे, ठीक है। इस तरीके से ना दिखे, आपको इसको हल्का सा थोड़ा सा आपको अंदर की ओर रखना है। इस तरीके से थोड़ा सा अंदर को रखना है। और इसी तरीके से पूरे गले में आपको सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हल थोड़ा सा अंदर के लिए है ये, ठीक है। इस तरीके से पूरे गले पे सिलाई लगा लेते हैं। गले पे सिलाई लग चुका है इस तरीके से। आप देख सकते हैं वीडियो में गला किस तरीके से बैठा हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इस पर और थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे तो ये गला आपका और बिल्कुल बैठेगा। ये नहीं इस तरीके से पीछे की ओर नहीं भागेगा, और ना ही इसे शोल्डर भी गिरेगा, ठीक है। आप अगर इस तरीके से पट्टी लगाओगे तो इसमें आपका 90% शोल्डर गिरने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं गला किस तरीके से बैठा हुआ। आप जिस तरीके से शेप देना चाहेंगे उस तरीके से आपका गला बैठेगा। बस आपको जो पट्टी है वो सही तरीके से लगाना है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं और अगले वीडियो में।